नमस्कार, तो आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज बात करेंगे यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर आपके CA ओल्ड कोर्स में भी था ये नवंबर 23 तक और अब दोबारा से यहां पर एज इट इज ये चैप्टर आ चुका है आपका। चैप्टर नंबर 4 मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल करके ये चैप्टर, अगर आपने स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया है या फिर आप किसी भी ऑथर की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपको चैप्टर मिल जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल एथिक्स के बाद आपको यहाँ पर ये चैप्टर नजर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, अगर देखें तो कुछ खास यहाँ पर इस चैप्टर में, मतलब अगर देखा जाए वैसे तो ये काफी थोड़ा सा टेढ़ा सा चैप्टर है, इसको याद करना उतना आसान नहीं रहता, मुश्किल रहता है, टर्म्स थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश करी है यहाँ पर 90% टॉपिक्स की मेमोरी टेक्निक बनाने की और मैं आपके साथ इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हर बार की तरह यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की मैंने शीट बना ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे इसको यहाँ पर चार मतलब दो पार्ट में खत्म करने की। वैसे अगर हो सका तो यहाँ पर आज ही एक ही पार्ट में भी खत्म कर दें, बट डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर कि कितनी लंबी वीडियो बन गई है। वैसे कोशिश करेंगे यार कि एक ही बारी में इसको यहाँ पर खत्म करें और दोबारा ये चैप्टर आपको मतलब अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। अगर अलग अलग वीडियोस भी होगी तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन नहीं लेना। देखिए स्टार्ट करते हैं, अगर चैप्टर की बात करें रिस्क, यहाँ पर मटेरियल रिस्क एंड असेसमेंट एंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए अगर इस चैप्टर में देखें तो ये चैप्टर कहां से शुरू होता है, यहां से ये चैप्टर की होगी शुरुआत। यहां पर ये कुछ रिस्क है, ये आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बात करें इस चैप्टर की, ये तीन तरीके के रिस्क होते हैं, एक होते हैं आपके इनहेरेंट रिस्क, दूसरे आपके होते हैं कंट्रोल रिस्क और तीसरा होता है आपका डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ये मैं अंदर की बात नहीं बता रहा आपको कि कैसे क्या करना है, आपको बस ये तीन रिस्क याद रखने हैं, कैसे इंटरनल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, और इसके अंदर जो एक चार पांच नंबर का एक टॉपिक बन सकता है वो बन सकता है ये एक टॉपिक है जो चार से पांच नंबर का बन सकता है और इसकी मेमोरी टेक्निक के साथ मैं आपको इसको आपको बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको मार्क कराता जा रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इनहेरेंट रिस्क के अंदर रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न दैट ऑडिटर माइट इंक्लूड। तो आपको ये पांच पॉइंट, ये तीन चार पॉइंट आपको याद करने हैं, इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक अगर आप देखें तो वो क्या बनाई है मैंने, ये मेमोरी टेक्निक है इसकी लैक ऑफ चाय। अगर आप चाय CHAI करके चाय को भी आप याद कर लेंगे तो आपके चार पॉइंट याद हो जाएंगे। सी से आपका याद हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हाई से हाई वैल्यू इन्वेंटरी, ए से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डी से डिक्लाइनिंग और वोलेटाइल इंडस्ट्री, लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू कंटिन्यू द ऑपरेशन। देखो क्या क्या बताई थी हमने, एक हमने बनाई थी मेमोरी टेक्निक चाय और हमने आगे क्या लिख दिया था इसके लैक ऑफ चाय, एक पॉइंट तो आपका लैक से है तो लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चाय से क्या होगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है, एच से हाई वैल्यू इन्वेंटरी, ए से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आई से यहाँ पर वोलेटाइल और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, तो लैक ऑफ चाय। ये हो गया आपका इनहेरेंट रिस्क की अगर बात करें तो ये हमारा था। ठीक है, उसके बाद जो और कुछ और क्या आ सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ठीक है, पढ़ना है ये आपको, अंदर का आसान है, वो ज्यादा खास नहीं है इसके अंदर। हमारा टॉपिक है हेडिंग्स को याद करना मेमोरी टेक्निक्स के साथ, आधे घंटे पौने घंटे के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज करना, ये टारगेट है। तो कोशिश करते हैं पूरा आधे घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को करते हैं। तो देखिए ये एक और टॉपिक है, अजर्शंस अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है आपकी AOCCC, AOCCC करके आप इसको निमोनिक बना के इसको याद कर सकते हैं। AOCCC से एक्यूरेसी हो गया आपका, O से अक्रंस हो गया और तीन C है आपके क्लासिफिकेशन, कट ऑफ और यहाँ पर कंप्लीटनेस, ये है आपके फोर ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये था आपका ट्रांजेक्शन और इवेंट से रिलेटेड। अब आएगा आपका अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड एट द पीरियड एंड, तो ये कौन सी होंगे, ये आपकी होगी मेमोरी टेक्निक इसकी होगी CERV करके मेमोरी टेक्निक, ये AOCCC मैंने आपको बता दिया। अकाउंट बैलेंस इसके लिए CERVV आप बना सकते हो इसकी मेमोरी टेक्निक, कुछ भी यहाँ पर मतलब तरीके से आपको याद करना है, आप कुछ भी निमोनिक बना लो जिससे आपको याद होए। कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर ऐसे ही बात करें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की तो इसकी मेमोरी टेक्निक भी वही सेम AOCCC वाली, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन और कंप्लीटनेस। ठीक है, ये एक आसान सा टॉपिक था, इसके अंदर इतना मतलब दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आगे बात करें रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये मैं आपको बता दी AOCCC करके, यहाँ पर इसकी मेमोरी टेक्निक होगी, इसकी CERV होगी, इसकी AOCCC हो गई,
उसके बाद अगर बात करें स्टेप्स ऑफ द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसमें आप चार पांच पॉइंट याद कर सकते हो। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना है एसेस द लाइक्लीहुड ऑफ द अजर्शंस अफेक्ट एंड दोज इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल। क्या एसेस द लाइक्लीहुड ऑफ द अजर्शंस अफेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल। आपको क्या वर्ड याद रखना है, एसेस याद रखना है, आपको लाइक्लीहुड याद रखना है, अजर्शन याद रखना है और इम्पैक्ट याद रखना है। 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके इनसे बन जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं एसेस द लाइक्लीहुड से क्या बनेगा आपका, देखो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसेस्ड रिस्क एंड देयर इंपैक्ट ऑन देयर अकरेंस। क्या बताया था मैंने आपको, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एसेस द सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपका एक पॉइंट बन गया लाइक्लीहुड वाला, जो मैंने क्या बताया था एसेस द लाइक्लीहुड ऑफ द एस, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बताया था अजर्शंस अफेक्टेड, assertions that are affected, ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चौथा मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल, इम्पैक्ट तो आपका ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, एक इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एक पॉइंट होगा, ये देखो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ये पांच, मतलब आपने कितने पॉइंट याद कर लिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने याद कर लिए, आप ये 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट अगर आप कर लोगे ये भी सफिशियंट है यहाँ पर, ये इसकी मेमोरी टेक्निक है। देखिए मेमोरी टेक्निक यार कुछ कुछ वेग भी हो सकती है, मतलब इतनी ज्यादा मतलब रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मतलब आपको याद करने के लिए मतलब ये अगर इससे याद होता है तो वैसे याद कर ले, नहीं तो डायरेक्ट अगर आप याद कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से मेमोरी टेक्निक से यार याद करना आपको मतलब पॉइंट्स आप 4-5 पॉइंट आराम से याद कर सकते हैं। एसेस द लाइक्लीहुड ऑफ assertions affected and their impact on internal control, हर एक शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इसके अंदर उससे एक लाइन बनेगी, वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें, अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा है पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स और उसके इंडिकेटर। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या बनाई है हमने, इसकी मेमोरी टेक्निक ERCC करके बनाई है, मतलब कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कोई रेलेवेंस इसका, बट कुछ भी आप निमोनिक बना सकते हो, CERV CERC कुछ भी जो आपसे मतलब याद हो जाए, 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। उससे क्या याद होगा, CERC से कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस रिकॉर्डिंग कट ऑफ प्रोसीजर, ये 4 पॉइंट आपको इससे याद हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। अगर आप बात करें ऑडिट प्रोसीजर्स मेड विदाउट PO करके, यहाँ पर ये केस स्टडी टाइप से दे रखी है, अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग द पर्सन, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बिना PO के आपने, यहाँ पर क्या है टॉपिक क्या है इसके अंदर, मैं आपको समराइज कर दूं तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स परचेज मेड विदाउट द परचेज ऑर्डर। तो इसको आपने क्या, कुछ पॉइंट इसमें आपने क्या याद रखने हैं, इसमें आपको क्या करना है, एजर्शन क्या है आपका यहाँ पर, वैलिडिटी ऑफ परचेज, अकाउंट बैलेंस लेवल है ये, कौन सा अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, परचेज और अकाउंट पेबल, PO से जो परचेज ऑर्डर करेंगे इससे ये दो आपके अकाउंट बैलेंस अफेक्ट होंगे, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ परचेज आपका जो है वो अजर्शन है यहाँ पर, और ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये 4 पॉइंट को याद कैसे करेंगे, 4 पॉइंट को याद आप ऐसे करेंगे, आपने क्या करना है, आपने रिव्यू करना है, आपने मीट करना है, और आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। रिव्यू क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद द वेंडर और वेंडर लिस्टिंग, और मीट क्या करना है, कंपनी के परचेज ऑफिसर को, और डिस्कस क्या करने हैं, समरी ऑफ इश्यूज विद द क्लाइंट। ये देखो यही पॉइंट है, डिस्कस द समरी ऑफ इश्यूज विद द क्लाइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक आपका मीट वाला पॉइंट था, मीट द कंपनी परचेज ऑफिसर एंड ऑब्टेन द रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरी। उसके बाद दो चीजें मैंने आपको बताई थी रिव्यू करनी है, एक आपको रिव्यू करनी है क्या, वेंडर लिस्टिंग विद द एजिंग डिटेल्स, और रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द वेंडर्स एंड परचेज रिक्विजिशन एंड रिकंसिलेशन ऑफ देयर अकाउंट्स। समझ आया, ये था इसके अंदर। अगर आप बात करें नेक्स्ट टॉपिक पर, अगर हम आए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टेप्स इन द रिस्क बेस्ड ऑडिट। देखिए रिस्क बेस्ड ऑडिट के अंदर क्या स्टेप्स हैं, तो रिस्क बेस्ड ऑडिट के अंदर ये 3 स्टेप हैं। रिस्क बेस्ड इसको हम कैसे याद रखेंगे, 3 R से, 3 R क्या है हमारे, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग। क्या क्या, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और हमारा है रिपोर्टिंग। ये हमारा मतलब हमारा ये पहला पूरा पेज हो चुका है, ये भी हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के, ये अंदर के मैटर है, इसको आप पढ़ सकते हो, अगर देखो खुद से मेमोरी टेक्निक बना सकते हो। मैंने इसलिए नहीं बनाई इसकी, हर चीज की मेमोरी टेक्निक भी यार मतलब यहाँ पर
दिक्कत कर सकती है कई बार याद करने में, लेकिन इसकी आप मेमोरी टेक्निक किस तरीके से बना सकते हो, मतलब कुछ भी कहानी टाइप बनानी है आपको और उसको याद करना, 4-5 बार रिकॉल करोगे तो वो कहानी आपको याद हो जाएगी और उससे क्या होगा पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो इतने पॉइंट याद करना ऑडिट में बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल काम है यहाँ पर रटना यहाँ पर ऑडिट में मेरे को तो लगता है, बाकी कुछ लोग रट लेते हैं। बाकी मैं आपको एक बार इसकी मेमोरी टेक्निक भी खुद से बना के दिखा देता हूँ क्या बन सकती है इसकी। इसकी आप बना सकते हो क्लाइंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्लाइंट एक्सेप्ट किया, क्या किया क्लाइंट एक्सेप्ट किया और क्या किया, क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बाद प्लान किया, प्लानिंग करी, क्या किया क्लाइंट एक्सेप्ट किया प्लानिंग करी, उसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया ताकि हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता चल सके, हमें सिग्निफिकेंट रिस्क का पता चल सके, हमें मटेरियल वीकनेसेस का पता चल सके और हम अपना असेसमेंट कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। ठीक है, हो गया। देखो बैठे बैठे मतलब बिना मतलब मैंने इसकी कोई नोटिक नहीं कर रखी, अगर आप बनाना चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या मेमोरी टेक्निक बनाई हमने कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस जब हुई तब हमने प्लानिंग करी थी और क्या किए थे कुछ असेसमेंट प्रोसीजर और इंटरनल कंट्रोल को प्रोसीजर्स को फॉलो किया था। क्या किया क्लाइंट एक्सेप्ट हुआ जब तब हमने प्लानिंग करी, हमने अपने 2 प्रोसीजर परफॉर्म करे, प्रोसीजर से आपको याद आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर और असेसमेंट प्रोसीजर, ताकि हमें क्या पता चल सके, हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चल सके, हमें सिग्निफिकेंट रिस्क पता चल सके, मटेरियल वीकनेसेस पता चल सके। ठीक है, बस यही था इसके अंदर। आगे अगर बात करें ये अंदर का मटेरियल मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेरे को जो जिसकी मेमोरी टेक्निक्स बना रखी है और जो मेरे को लगता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर, एक सेकेंड देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक सेकेंड देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद रखेंगे इंटरनल कंट्रोल के, तो ऑब्जेक्टिव्स को याद करने की मेमोरी टेक्निक ये है हमारे पास। हर चीज की मेमोरी टेक्निक है यार, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे याद करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को सैप से वेरीफाई करो और कब करो रीजनेबल इंटरवल से। क्या करो इंटरनल कंट्रोल को सैप से वेरीफाई करो रीजनेबल इंटरवल से। अब आप कहोगे ये क्या तुक बनता है, देखिए तुक तो कुछ नहीं बनता है लेकिन इसको याद करने की ये मेमोरी टेक्निक है। देखिए क्या है इंटरनल कंट्रोल, इससे हम कैसे याद रखेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे याद रखोगे। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये है इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। एक तो इंटरनल कंट्रोल का कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर बात करें सैप से, सैप से आपको 3 वर्ड याद हो जाएंगे, सेफगार्ड, ए से ऑथराइजेशन, पी से प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, वेरीफाई से वेरिफिकेशन, रीजनेबल इंटरवल से रीजनेबल इंटरवल। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हो जाएंगे अगर मैं आपको दिखाऊं सैप से वेरीफाई करने का, जो ये हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है ये कैसे बनी है। देखो सेफगार्ड वाला पॉइंट हो गया, वेरीफाई एट रीजनेबल इंटरवल हो गया, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो गया, ऑथराइजेशन हो गया। ठीक है, कैसे याद हुआ, एस ए पी, सैप से वेरीफाई। समझ आया, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अगला टॉपिक की बात करें, बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड रियल, ये तो बहुत ईजी सा है, इसको भी अगर आपने याद करना है मेमोरी टेक्निक की हेल्प से तो ये इसकी ये भी मेमोरी टेक्निक है। देखो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है हमारे पास, इसकी मेमोरी टेक्निक है ये TCS में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये TCS कुछ भी वर्ड बन रहे थे, कुछ भी मतलब बेतुकी चीजें बनाते हैं हम जिससे हमें याद रहे, मतलब है मुद्दा है याद करने से रटने से, वो कैसे है TCS, TCS में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब ये आपको अगर वर्ड याद हो जाएंगे ना TCS तो आप क्या करोगे, कैसे याद रखें TCS RPT, T से क्या है टाइमली, ठीक है, सी से क्या बनेगा हमारा क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड, एस से क्या बनेगा प्रॉपरली समराइज्ड, उसके बाद टीसीएस से क्या बनाया था हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी, आर ये भी आर, ये हमारा पी से प्रॉपरली वैल्यूड। ठीक है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, टी से हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब कुछ भी करते करते हमने यहाँ पर देखो ऐसी बेतुकी चीजों से हमने अपनी 4-5 पॉइंट बना लिए, क्या टाइमली क्लासिफाइड समराइज रिकॉर्डेड रियल प्रॉपरली वैल्यूड पोस्टेड, हो गए हमारे 6-7 पॉइंट याद, बस यही था इसके अंदर। ठीक है, अगर बात करें देखिए अगला टॉपिक की बात करें तो वो क्या है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात करें, इसकी मेमोरी टेक्निक ये भी बना सकते हो चुम्बा सी करके, ये थोड़ी सी बेकार से लगी मेरे को इसलिए आप ये बना लो
ह्यूमन कोल्यूजन कोस्ट, ह्यूमन अगर कोलाइड करते हैं कंपनीज के अंदर, एम्प्लॉयज अगर कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर कोस्ट बढ़ती है कंपनी की। ह्यूमन से एन को इग्नोर करना है, ह्यूमा से कैसे याद होगा, एक होगा आपका ह्यूमन एरर, एक अनयूजुअल नेचर, एक मैन्युपुलेशंस बाय मैनेजमेंट, और एक अब्यूज ऑफ द रिस्पॉन्सेज, और एक कोल्यूजन, और एक कोस्ट। देखो ये सारे पॉइंट से आपका यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लिमिटेशन, जो जो वर्ड मैंने बोला ना वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर है। कोस्ट से कीवर्ड आपका है, उसके बाद कोल्यूजन विद एम्प्लॉयज जो एक कीवर्ड हमने लिया वो है, अब्यूज वाला भी कोई यही कहीं होगा, देखो अब्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है हमारा, मैन्युपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट भी है, देखो मैन्युपुलेशंस बाय द मैनेजमेंट, अब्यूज ऑफ रिस्पॉन्स भी हमने पढ़ लिया, अनयूजुअल, देखो अनयूजुअल नेचर, सारे के सारे पॉइंट अगर आप देखोगे ना ये मेमोरी टेक्निक के साथ, ये मैं आपको सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारी मेमोरी टेक्निक के साथ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, ये है इसके अंदर, कुछ खास था इसके अंदर मेरे को तो लगा नहीं, बाकी आपको लग रहा है तो देखिए थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है, लेकिन इसको याद करने की तो यही टेक्निक है, आपको रटना पड़ेगा, कुछ भी उल्टी सीधी यहाँ पर मेमोरी टेक्निक्स बनानी पड़ेगी और आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। देखो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगर हम सारी के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सारे की सारी अगर हम मेमोरी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में यहाँ पर ये दो पेज को खत्म करते हैं, यहाँ पर दो टॉपिक और कवर कर लेते हैं, इसके बाद मैं अगला पार्ट जो होगा उसका एक और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, उसको छोटा छोटा करके हमारे टारगेट है 15-15 मिनट की दो वीडियो बना के इसको खत्म किया जाए, तो 15 मिनट से ऊपर की हो चुकी है वीडियो, तो एक बार फटाफट से अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल की मेमोरी टेक्निक है साई, SAAAI, ये आपको कुछ भी तरीके से आपको याद रखना है, 5 पॉइंट है इसमें, एस हो गया आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ए से ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ए से एडिक्वेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ए से अकाउंटिंग एंड सेफगार्डिंग, और आई से इंडिपेंडेंट चेक्स, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये देखो अगर आप देखना भी चाहो तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल की अगर आप हेडिंग देखोगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो मैंने आपको हेडिंग बोली है ना, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, एडिक्वेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स, यही सब इसकी हेडिंग्स है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट चेक, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ये आपका इंडिपेंडेंट चेक, ये हेडिंग कैसे याद रखेगी, SAAAI साई, ठीक है समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है, इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने बनाई है माइक्रा, और माइक्रा को आपने कैसे याद रखना है उल्टे तरीके से, एम से यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी से कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और सी से कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर कुछ मतलब 8-10 टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए विद मेमोरी टेक्निक्स। अगर आपको मैं दिखा दूं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ये देखिए ये जो हमने अभी तक ये इतनी ये हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी का जो हमारा देखो हमारा यहाँ तक तो हमारा डिस्कस हो चुका है, ये आगे का कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट से लेकर आगे का बचा हुआ चैप्टर अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, मोस्टली टॉपिक्स मेमोरी टेक्निक से याद कर लेंगे, बाकी बचे हुए टॉपिक आप खुद कवर कर सकते हो। अगर और भी चाहिए आपको कोई चैप्टर की वीडियो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस इसी तरीके से आपका दोस्त आपका विपुल आपका भाई मिलता रहेगा आपके साथ नए वीडियोज के साथ, बस अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बस इसी तरीके से जुड़ता रहूंगा। अगला पार्ट यहाँ पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस इसी के बाद ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस मेरा मतलब ये है कि यार वीडियो को लंबा ना बनाया जाए, क्योंकि लंबी वीडियो देखते ही ना पहले ही घबराहट हो जाती है यार, इतनी बड़ी वीडियो है नहीं देखी जाएगी, तो पार्ट कर करके देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, और अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा, आपका दोस्त विपुल इसी तरीके से मिलता रहेगा नए नए वीडियोस के साथ, अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय बाय।